हाथरस पीड़िता मामले में इंसाफ की आवाज से ज्यादा सियासत का शोर है। बीजेपी विरोधी पार्टियां इसमें अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हैं। ये पूरी कोशिश की गई जिसको अब बेनकाब किया जा चुका है। सोचिए कि इसमें राजनीति ज्यादा और इंसाफ की आवाज कम थी। योगी सरकार को दलित विरोधी बताने की साजिश, जिसमें पीड़ित परिवार को मोहरा बनाया गया। कोशिश की गई कि हिंसा इतनी फैले कि पूरे राज्य में दलित एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध करें, लेकिन अब इसे बेनकाब किया जा चुका है। सियासत के लिए हाथरस को पीपली लाइव बना दिया। सीबीआई जांच हो रही है, फिर भी नेतागिरी हो रही है। योगी सरकार के खिलाफ विरोधियों का षड्यंत्र। हाथरस के बहाने बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश। योगी सरकार ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। मामले की सीबीआई जांच कराई जा रही है। प्रशासन पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहा है, लेकिन सियासत को चमकाने के लिए नेताओं का आना जाना अभी भी जारी है। इस बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में उन सभी सवालों के जवाब दे दिए जिन पर विरोधी सवाल उठा रहे थे। पहला सवाल था, रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? योगी सरकार ने जवाब दिया, हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी के साथ आधी रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इंटेलिजेंस से इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया गया था। दूसरा सवाल, इलाज के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने में देरी क्यों हुई? पीड़िता के परिवार ने डॉक्टरों की बार बार सलाह के बावजूद पीड़िता को किसी स्पाइनल इंजरी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की सहमति नहीं दी। इस बीच यूपी सरकार ने कोर्ट में बड़ी साजिश का भी जिक्र किया, जिसमें कहा कुछ राजनीतिक दलों ने इस घटना को सांप्रदायिक और जातीय रंग देने की कोशिश की, जिससे हिंसा होने का खतरा पैदा हो गया, इसलिए पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पे कार्रवाई जरूर होगी। यूपी सरकार ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया, कोर्ट में हर सवाल का जवाब भी दिया और साथ में ये भी बता दिया कि वो इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए एफआईआर में देशद्रोह, साजिश, अपराध के लिए उकसाना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, नकली इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बनाना, राज्य के विरुद्ध सार्वजनिक साजिश, मानहानि समेत 20 धाराओं में केस दर्ज किया। इसमें कुछ अज्ञात पत्रकारों के रोल के बारे में भी जिक्र है। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। यूपी पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एक तरफ विरोधी पार्टियां योगी सरकार को दलित विरोधी बताने में जुटी हैं, दूसरी तरफ पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन बड़ी हिंसा कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन वक्त रहते षड्यंत्र को पहचान लिया गया और एक बड़ी तबाही होने से रोक दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम में आज के इस पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।